हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। एज ब्लॉक एलिमेंट वी हैव कंप्लीटेड, सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज रिड्यूस्ड, मीन्स कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ग्रुप नंबर 13 के हैं या 14 के हैं, दे ऑल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। सो हमारे पास जो बचता है वो है आपका जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एज यू नो दैट पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सिक्स ग्रुप। पी ब्लॉक में सिक्स ग्रुप्स होते हैं फ्रॉम 13 to 18। सो 13 में से जो है 13 to 18 है, ये 13 and 14 ग्रुप, दीज टू ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन प्लस वन नॉन मेडिकल एंड ऑल द फोर ग्रुप्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लस टू नॉन मेडिकल। तो हमारे पास प्लस वन नॉन मेडिकल में सिर्फ टू ही ग्रुप्स हैं, दैट इज़ ग्रुप नंबर 13 and 14। और ग्रुप नंबर 13 and 14 में से भी हमें उसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर था, बट नाउ अब ये इतना बड़ा नहीं है, वी कैन ईजली स्टडी। बहुत ही मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसमें से रिमूव्ड है, तो इतना डिफिकल्टी नहीं है। और रही बात आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस की, तो वो ऑलरेडी आपको बना हुआ है क्योंकि आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स कर रखे हैं। क्लियर? सो चलो लेट्स सी जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको बोला कि कितने ग्रुप हैं, 13 to 18, एंड हमें स्टडी करने हैं ग्रुप नंबर 13 एंड 14। तो जनरल प्रॉपर्टीज, अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में आपको पता है कि थ्री ब्लॉक्स होते हैं एंड मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट। कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं? मैक्सिमम सिक्स। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक का, इट इज़ NS2 NP1 2 6। सो दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 की स्टडी करने हैं, तो ग्रुप नंबर 13 ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स की कोडिंग है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। दिस इज बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन जो है वो आपका सेकेंड पीरियड में आता है, एल्युमिनियम थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड। सेवन में भी आपका एलिमेंट है 113 वाला, तो वो इतना नोन नहीं है, हम इतने एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो पीरियड है उसमें आपके ग्रुप नंबर 13 में कोई एलिमेंट नहीं है, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13, तो क्या होगा? NS2 NP1, पी में वन इलेक्ट्रॉन। जैसे बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है इट इज़ 5। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p1। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सेकेंड पीरियड था, 2p1 था, एल्युमिनियम में 3p1 है, सेम एज गैलियम में 4p1, इंडियम 5p1 एंड थैलियम 6p1। तो जिनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो पी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई मैंने ऑलरेडी आपको एस ब्लॉक में क्लियर किया हुआ उसको कॉन्सेप्ट। एटॉमिक रेडियाई है क्या? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट, यानी वैलेंस सेल। तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक की आपकी डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है पीरियड में? इट इज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट, क्लियर, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। रीजन क्या है? रीजन आपको मैंने जब चैप्टर कराया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तब भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि लेफ्ट टू राइट होता क्या है। सपोज मैं सेकेंड पीरियड लूँ तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये एलिमेंट्स हैं, ओके, ये है ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16। तो होता क्या है, लिथियम को अगर मैं डिस्कस करूँ तो लिथियम की फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बेरिलियम तक जाऊँ तो बेरिलियम में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है, साथ में एक प्रोटॉन भी ऐड होगा। बोरॉन में 1 मोर इलेक्ट्रॉन, फिर एक प्रोटॉन ऐड होगा। तो होता क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज मीन्स आपकी सेल जो है आउटर सेल वो उतनी की उतनी ही है और उसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से साइज क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड साइज लेफ्ट टू राइट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप नंबर 13 को अल्कली मेटल यानी फर्स्ट या अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकेंड ग्रुप से, तो इट इज ग्रुप नंबर 13 की एटॉमिक रेडियाई ग्रेटर देन होती है ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, सॉरी स्मॉलर देन। क्यों? ड्यू टू, अभी मैंने बताया ना, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं वो और साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। और यही रीजन है कि ग्रुप नंबर 13 का जो है एटॉमिक रेडियाई कंपैरिजन टू 1 and 2 इट इज लो, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर है कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्लियर है एटॉमिक रेडियाई, ओके। अब मैं बात करती हूँ डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आपने पढ़ा ही है कि इसमें 2 सेल्स हैं, ठीक है, अगले में क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, फिर नीचे जाने पे 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो यू कैन इजली सी दैट एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, क्योंकि एक एक सेल इंक्रीज होती जाएगी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो होना चाहिए, यही ऑर्डर होने चाहिए और सबसे बिगर एटॉमिक रेडियाई होनी चाहिए थैलियम की, ठीक है, यही ऑर्डर होना चाहिए। क्यों? मैंने अभी बताया कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर। अब इंक्रीज तो करती है बट एक एक्सेप्शनल केस है और वो एक्सेप्शनल केस है गैलियम। यहाँ पर एल्युमिनियम के एटॉमिक रेडियाई गैलियम से ज्यादा है, क्लियर, ठीक है, क्या है, एल्युमिनियम के एटॉमिक रेडियाई गैलियम से ज्यादा है। उसके साथ साथ जब इन दोनों को हम देखते हैं तो जितना इंक्रीज इंडियम टू थैलियम होना चाहिए वो भी उतना इंक्रीज नहीं है, स्लाइटली इंक्रीज है और ऑलमोस्ट इनकी रेडियाई जो है वो सिमिलर है, ठीक है, मतलब जितना इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना इंक्रीज नहीं है, क्लियर। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको आप समझ लो कि होता क्या है। बेटा जब बोरॉन से एल्युमिनियम तक तो इंक्रीज होगी, जब हम गैलियम में आते हैं तो यहाँ पर जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना गैलियम में, तो यहाँ पर आपकी हो जाती है डी ब्लॉक की एंट्री, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी तक नहीं थे, यहाँ तक नहीं थे एल्युमिनियम तक, बट एल्युमिनियम के बाद क्या होता है कि डी ब्लॉक 10 एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक के ऐड हो जाते हैं, क्लियर। अब देखो मीन्स आपका अगर हम देखें तो 10 एलिमेंट्स ऐड हो गए, क्लियर, और इन 10 एलिमेंट्स के ऐड होने की वजह से मीन्स डी ऑर्बिटल के ऐड होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल शील्ड तो करता है चार्ज को बट सबसे वीक पुअर शील्डिंग होती है चार्ज की। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है ना, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना
वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं, तो बाहर तक नहीं पहुंचता चार्ज। और जो अगर चार्ज नहीं पहुंचेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो साइज छोटा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा शील्डिंग करते हैं एस ऑर्बिटल क्योंकि ये क्लोज होती है न्यूक्लियस के, देन करते हैं पी, देन डी की होती है एंड देन एफ की। तो डी ऑर्बिटल इतनी बड़ी ऑर्बिटल है कि ये ऑर्बिटल प्रॉपर शील्डिंग ऑफ चार्ज नहीं कर पाती, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाती क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्बिटल है और ये न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगता है और साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एल्युमिनियम से गैलियम आने पर साइज छोटा हो जाता है, मीन्स एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है कंपैरिजन टू गैलियम। रीजन क्या है, ड्यू टू एंट्री ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री की वजह से एंड देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और साइज आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, एंड दैट्स व्हाई गैलियम हैज लोअर एटॉमिक रेडियाई देन एल्युमिनियम। क्लियर हो गया ये, तो ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। वही चीज यहां पर है कि जितना इंक्रीज होना चाहिए नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपके एफ ऑर्बिटल एंट्री कर जाती है और उस एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग तो सबसे वीक है, इस वजह से साइज में जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो ये रीजन जो है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आप इसको डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री एंड उनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट से आंसर कर देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जब मैंने आपको एस ब्लॉक में पढ़ाया था, पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है क्या होती है कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म कैटायन, मीन्स किसी एटम की जो आउटर वैलेंस सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। क्या होती है ये, एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स जितना बिगर इन साइज होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। मैंने आपको बताया था बेटा कि सपोज अगर किसी का स्मॉल साइज है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रॉपर लगता है, ठीक है, और वो उसको साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर, मीन्स यहाँ पर ऐसे समझो कि आप अपने घर में हो और अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको उधर से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बड़े साइज का मतलब है कि सपोज आप अपने घर के बाहर हो और फिर आपके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगता और फिर आप कहाँ हो किसी को पता नहीं है, ठीक है, ईजिली आप निकल जाओगे अगर पेरेंट्स के कंट्रोल से निकल गए। तो जब भी बड़ा साइज होगा तो हमेशा कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इन एलिमेंट्स का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा बोरोन की, ठीक है, और इसी ऑर्डर में डिक्रीज करनी चाहिए। बट आपको पता है कि गैलियम जो है थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसके एटॉमिक रेडियाई उस तरह से इंक्रीज नहीं करती जिस तरह से करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, क्योंकि इसके एटॉमिक रेडियाई कम है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर गैलियम के केस को आपने नहीं भूलना है, उसको याद रखना, क्लियर। बाकी सब आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना ही है। हाँ, ये है कि अगर आप इसका कॉन्फिगरेशन देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो नेचुरली है ये इजीली दे देगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये
स्टेबल होना है इसको एस ऑर्बिटल, एटलीस्ट इसके एस ऑर्बिटल तो कंप्लीट है, ठीक है, तो इजीली दे देगा इसमें से इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ओके, अब मैं बात करती हूँ सेकेंड की, तो देखो सेकेंड इसकी कहीं ना कहीं फर्स्ट से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसकी एस ऑर्बिटल फुल है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरिजन टू पी, ठीक है, तो इसकी जो सेकेंड ट्रांजिशन एंथैल्पी होगी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, इसी तरह थर्ड भी आपकी ज्यादा होगी, तो सेकेंड एंड थर्ड हमेशा ही फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होंगे इसकी। तो यहाँ ये चीज आपने दो पॉइंट याद रखना है, एक गैलियम वाले केस की आयनाइजेशन एंथैल्पी याद रखनी है और एक आपने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी याद रखनी है कि सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन फैमिली विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट वन, फर्स्ट वन से हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। या हम बोले इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा याद रखो कि जिस एटम का जितना ही स्मॉल साइज होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, खींच पाएगा और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज है बोरॉन का, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी इनमें से, पीरियोडिक टेबल में से नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में से नहीं, इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होगी और डाउन द ग्रुप आपकी ये टेंडेंसी डिक्रीज करती जाएगी। क्यों, मैंने आपको बताया है स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बहुत छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर, उसी जगह अगर साइज इंक्रीज होगा तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, पॉजिटिविटी नीचे जाने पर इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। क्लियर, नेक्स्ट जो आता है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर भी मैंने आपको एस ब्लॉक में समझाया था कि मेटालिक कैरेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एलिमेंट उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा। तो यहां पर जो लूज करने की टेंडेंसी है नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है, तो नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर अगर हम देखें नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, बाकी तो आपको मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पता ही है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट का तो सेम ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है नीचे जाने पे, क्यों, क्योंकि इंटर मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है, आपने एस ब्लॉक में भी पढ़ा है बॉन्डिंग डिक्रीजेस और इसी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी, जब उनके आपस के बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं है तो उनको मेरे लिए तोड़ना ब्रेक करना इजी हो जाएगा, जरा से भी मैं हीट दूंगी तो वो बॉयल हो जाएंगे। क्लियर, तो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग इनकी क्योंकि वीक है, इस वजह से डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑर्डर है बोरॉन एल्यूमिनियम सॉरी गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का, है ना, है ना अनएक्सपेक्टेड।
अब इसका रीजन समझ लो, मेल्टिंग पॉइंट क्या है बोरॉन का, सबसे कम गैलियम का होता है याद रखना, और गैलियम का इसलिए कम होता है क्योंकि गैलियम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्लियर। और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर आप उसको अपनी पाम के ऊपर रखते हो तो ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, इतना लो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं क्यों बोरॉन का क्यों सबसे ज़्यादा है, बोरॉन का सबसे ज़्यादा होता है और बहुत ही हाई वैल्यू है मेल्टिंग पॉइंट की, इट इज 2453 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, इतनी वैल्यू है इसकी। अब आप खुद से ही देख लो कि कितना ज़्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और उसका रीज़न है कि जो बोरॉन होता है आपकी बुक में शायद बना हो इसका स्ट्रक्चर, अगर आपके बुक में हो तो उसको जरा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल, कैसा स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी बुक में बना होगा आप इसको देख लेना। इसमें होता क्या है कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बोरॉन एट 12 जो कॉर्नर्स हैं उनमें आपके बोरॉन होते हैं, ठीक है, आइकोसाहेड्रल B12 बनाता है और 12 कार्बन में आपके बोरॉन जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, ओके। और जो ईच बोरॉन है वो आपका 5 जो दूसरे बोरॉन है उनसे आपका बॉन्डेड होता है इक्विडिस्टेंस पे, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये जो आइकोसाहेड्रल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसी वजह से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना ज़्यादा आपका होता है, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट। अब बात करते हैं हम गैलियम की, गैलियम का इतना कम क्यों होता है, इसका भी रीज़न सेम है। गैलियम में क्या होता है, गैलियम का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसमें गैलियम एटम जो है वो आपका एक नेबर के साथ एक डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है और 6 मोर डिस्टेंस नेबर जो है वो उनके साथ ही कनेक्टेड होता है, और ये इतना ज़्यादा इनके बीच की डिस्टेंस होती है कि जब आप इसको मेल्ट करते हो ना गैलियम को, तो आई थिंक जो सॉलिड में जो वैसे क्या होता है सॉलिड का जो होता है वॉल्यूम कम होता है लिक्विड का ज़्यादा होता है ना, लेकिन इनके केस में उल्टा है, समझ रहे हो, मीन्स इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लूज है, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, ओके। तो ये हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आई थिंक सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ वन डेंसिटी बची हुई है, डेंसिटी और डिस्कस कर लेते हैं, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ख़त्म होती हैं। तो लास्ट टॉपिक इज दैट इज़ डेंसिटी, डेंसिटी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है मास अपॉन वॉल्यूम, तो लेफ्ट टू राइट में अगर मैं इसको एल्कलीमीटर और एल्कलाइन अर्थ मीटर से कंपेयर करूँ तो उससे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी ग्रुप नंबर 1 और 2, और आपको उसका रीज़न पता है कि ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, सेम पीरियड के हैं एलिमेंट्स, लिथियम में क्या है 2, 1, बेरिलियम में क्या है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मॉलिकुलर मास, बोरॉन में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स वॉल्यूम तो उतना ही है और मॉलिकुलर मास इंक्रीज कर रहा है, और क्योंकि मास इंक्रीज करेगा तो ऑलरेडी डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ ग्रुप नंबर 13 इज मोर देन ग्रुप नंबर 1 और 2, सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।